नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स और चैनल नंबर नौ पर हम हाजिर हैं लेकर अपना आज का ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर जो कि है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम समावेशी कक्षा का हमारा ये सत्र है विषय है हिंदी और इसमें हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम मैं आप सभी को बता देता हूं नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया ये हमारा जो है आज का पाठ है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा देता हूँ आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख रहे हैं स्क्रीन साझा कर रहे हैं निर्भय कुमार मल निर्भय नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो भी पढ़ेंगे जो भी चर्चा करेंगे उसको ये इंटरप्रिट करेंगे साइन लैंग्वेज में और अब हम अपना ये सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको अपना एक अनाउंसमेंट जो कि जी से रिलेटेड है आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू ऑल

और अब आपको मैं अपने जो एक्सपर्ट है उनसे भी मिलवाता हूं और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि लाइव इंटरेक्टिव सेशन है तो आप चाहें तो हमारे टेलीफोन नंबर पर अपनी प्रश्न अपनी जिज्ञासा फोन करके पूछ सकते हैं एट एट जीरो जीरो फोर फोर जीरो फाइव फाइव नाइन ये नंबर है आ, हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं आप टी हिंदी हैं जे सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ब्लाइंड में आप टीचर हैं जो कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के द्वारा चलाया जाता है लोधी रोड दिल्ली में स्थित है डॉक्टर मनोज नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आप जैसा देख पा रहे हैं कि डॉक्टर मनोज बाधित है यानी कि सबसे पहला संदेश इस सत्र का ये है कि आप आप अपने को किसी भी रूप में कम ना समझें और जब समावेशी कक्षा की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि हम उसमें वही काम करने आते हैं यानी जैसे हमने कहा कि एज द वर्ल्ड इज वन फैमिली हम सब एक ही साथ हैं तो मनोज जी आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत धन्यवाद और इस पाठ के बारे में भूमिका बताएं इस पाठ की कि हमारे बच्चे इसको सुने इसको जाने कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं बिल्कुल जैसा कि आपने बताया भी कि हमारा इंक्लूसिव जो है परपस है हमारा बच्चों को सबको एक साथ बैठा कर पढ़ाना जी अध्यापक को सबसे पहले अपनी कक्षा के वातावरण के बारे में मालूम होना चाहिए कि उसके बच्चे कितने हैं कैसे हैं उन्हें क्या कराना है एक फॉर्मेट उनके माइंड में होना चाहिए उसी को लेकर ही हम कक्षा में शिक्षण का कार्य करते हैं ठीक है आज जो पाठ है कक्षा नौ का ये कक्षा नौ की जो हिंदी की पुस्तक है क्षितिज उसका पांचवा पाठ है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है लंबा शीर्षक है इस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले क्योंकि बच्चे बाहर से आते हैं किसी दूसरी कक्षा से प्रैक्टिकल रूम से लाइब्रेरी से ग्राउंड से उनको अपने जो है उनका ध्यान उस समय कहीं और होता है तो मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे को सबसे पहले अपने पाठ पर कैसे उसका ध्यान लाया जाए कि उसकी रुचि उसमें बन सके तो हम उसकी जो है जो कुछ वो जानता है उसको हम जांचते हैं तो हम पूर्व ज्ञान के माध्यम से उसके थोड़ा सा हम उसको जांच कर अपने पाठ पर ले आते हैं ठीक है? आज के लिए मैं अपनी कक्षा का पहला विद्यार्थी आप ही को समझ कर आप ही से एक प्रश्न मैं करता हूँ कि पंद्रह अगस्त का दिन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है क्यों क्या महत्व रखता है यदि आप कुछ बता पाए बिल्कुल मुझे लगता है कोई भी भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको पंद्रह अगस्त के दिन की महत्ता ना पता हो और जैसे आपने कहा कि छोटे बच्चों के भी यदि हम बात करें तो हम सब अपने देश का स्वतंत्रता दिवस जो है उस दिन मनाते उस दिन हैं क्योंकि पंद्रह अगस्त 1947 को हमारा देश भारत जो है आजाद हुआ था आप साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि 1947 में तो हमारा देश आजाद हुआ हमारी सरकार बनी उससे पहले किसकी सरकार हुआ करती थी यहाँ मैं यदि ये कहना चाहूँ अपनी जो है मेरी ज्ञान कौशल के के मुताबिक ब्रिटिश सरकार का राज हुआ करता था भारत में बिल्कुल अंग्रेजी सरकार का राज जी, था जी। और उस राज को हटाने के लिए उसको जड़ से हटाने के लिए आ, हमारे क्रांतिकारियों ने कितने बलिदान दिए कितना संघर्ष किया उन्हीं किस्सों में से बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो हमारे सामने नहीं आते जी। हमारे छात्रों को उन्हीं से परिचय कराने के लिए जो है चपला देवी का ये जो पाठ है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया तेरह चौदह साल की एक बालिका है उसी के ऊपर ये लेख कह सकते हैं कहानी कह सकते हैं किस्सा कह सकते हैं लेकिन ये एक सत्य घटना है आ, क्योंकि बालकों का प्रतिनिधित्व करने वाली उस देवी मैना के बारे में इसमें एक खबर के रूप में प्रस्तुत किया गया है कहने को तो हम इसको लेख भी कह सकते हैं कहानी भी कह सकते हैं लेकिन ये एक रिपोताज विधा का ये पाठ है रिपोताज का अर्थ है कि एक रिपोर्ट के माध्यम से किसी लेख की जो है प्रस्तुति हो Hmm. तो रिपोर्टार जो है ये फ्रेंच शब्द है और रिपोर्ट अंग्रेजी शब्द है hmm. और हमने इसको हिंदी में रिपोर्ट के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ठीक है आ, की जो प्रारंभिक विधा थी वो इस पाठ में आपको देखने को मिलेगी अगर आप शुरू से अंत तक उसको पढ़ेंगे hmm. क्योंकि उस समय की कुछ खबरें जो कोटेशन हैं जो वो इस पाठ में जो की त्यों इस्तेमाल की गई हैं और ये जो पाठ है लेखिका की अगर मैं बात करूं तो लेखिका का अधिक परिचय हमारे पास नहीं मिलता है हमारे पास वर्तमान में नहीं है लेकिन 1914 से 2001 के बीच का जीवन चपला देवी का रहा है और उनका ये लेख नाना साहब की पुत्री वाला ये बहुत फेमस है और ये 1930 के समय एक पत्रिका थी हिंदू पंच जिसका प्रकाशन 1926 में कलकत्ता में हुआ था और ईश्वरी दत्त शर्मा ने इसका प्रकाशन किया था उसमें बलिदान नामक का एक अंक निकला था 1930 में जो उस समय अन्य पत्रिकाओं में भी अन्य तरीके के ऐसे कुछ लेख निकलते थे अंक जिसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे उस समय पूर्व के जिनके बलिदान की कहानियाँ ज़्यादा सामने नहीं आती इस तरह का एक प्रयास किया गया था और यहाँ पर ये लेख इस पत्रिका में छपा था जो हमारे जो नाइन्थ कक्षा के कोर्स में हमने सिलेबस में लिया है, ठीक है? ये रिपोर्टार्ज की एक प्रारंभिक विधा है असल रिपोर्टार्ज को जो ठीक से और लिखने का जो उसमें शुरुआत हुई शुद्धिकरण हुआ ये उन्नीस सौ जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय इसकी शुरुआत तो हुई थी तो उस समय अनेक पत्रकार सामने आए थे जिन्होंने इस विधा को जो है प्रगति प्रदान की और अब हिंदी साहित्य ने रिपोतार्ज को भी एक नई विधा के रूप में प्रस्तुत कर लिया है जी। आप अगर जानते हो तो हमारे हिंदी में अनेक विधाएं हैं गद विधाओं की अगर हम बात करें कहानी उपन्यास नाटक जी। संस्मरण जीवनी आत्मकथा जी। तो साक्षात अनेक इसी तरह जो यूं समझ लीजिए कि हमारी जो हिंदी भाषा है वे एक ऐसे वृक्ष की तरह जो नित नवीन नई नवी ऊंचाइयों को छो रही है तो उन्हीं में रिपोतार्ज भी एक है जो इसमें इस पाठ में हमने लिए हैं ठीक है अब अगर इस पाठ की मैं कहानी को प्रस्तुत करूं तो इसमें क्या है एक छोटा सा संवाद है छोटे आमने सामने की की बातचीत है है जो इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत गई तो यहाँ पर सबसे पहले नाना साहब जो धुंधुंत नाना साहब थे और अठारह की बात है जब जो है दत्तक पुत्र गोद लेने की प्र, जो है प्रथा खत्म कर दी थी अंग्रेजों ने कि जिस राजा के संतान पुत्र नहीं होगा उसका राज्य अंग्रेजी सरकार में मिला लिया जाएगा ओके। ऐसा प्रयास हुआ तो रानी झांसी सामने आई उनके भी इसी तरह राज्य हड़पने की कुछ प्रयास हुआ और फिर नाना साहब इस तरह जो राजा थे यहाँ के उनके राज्य धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हड़पने शुरू किए तो विद्रोह उन्होंने शुरू कर दिया तो नाना साहब ने जो है कानपुर में बिठूर में उनका जो है राजमहल था और कानपुर में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया जिसमें अनेक अंग्रेज मारे गए तो अंग्रेजी सरकार हुकूमत उनको ढूंढने लग गई वे जब कानपुर से मतलब अंग्रेजी सरकार से बचते हुए भागे तो अपनी पुत्री मैना को अपने महल में ही छोड़ गए मजबूरियों से वो उनको अपने साथ नहीं ले जा सके लेकिन अंग्रेजी सरकार उन्हें तलाश रही थी तो अंग्रेजी सरकार तलाश करते करते उनके महल को बिठूर में जो था उनको घेर लेती है अब घेरने के बाद क्या होता है कि महल को सबसे पहले लूटा जाता है लूटने के बाद उसको गिराने की कगार पर वो खड़े हो जाते हैं तो महल का घेराव शुरू हो जाता है तो उस समय जब महल को लूटा गया था तो जो है वो ब, कोई अंदर नहीं था लेकिन अचानक से ही जो है मैना का आगमन होता है और मैना अंग्रेजी जो सेनापति था जो जनरल था जनरल हे टॉमस हे हुँ. उनसे वो आग्रह करती हैं कि आपकी दुश्मनी जो है सशस्त्र विद्रोहियों से है इस जड़ पदार्थ ने इस जड़ पदार्थ यानी इस महल ने आपका क्या बिगाड़ा है इसे नष्ट मत करो ये मेरी बहुत प्रिय चीज़ है यहाँ से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं जनरल है नहीं मानता है कि मुझे तो आ, मेरे सरकार ने यह आदेश दिया है कि किसी भी तरह नाना साहब की कोई भी जो स्मृति है वो हुँ. सामने नहीं रहनी चाहिए और मुझे तो इसको आ, मैं तो कर्मचारी हूँ सेवक हूँ अंग्रेजी सरकार का मुझे तो अपना आदेश मानना है हुँ. लेकिन फिर जो है मैं ना उनसे फिर आग्रह करते हैं कि आप भूल गए हैं आपकी बेटी जो है मैरी जो मेरी बहुत अच्छी मित्र हुआ करती थी आप भी मुझे जानते हैं मेरे घर आते थे आपकी पुत्री अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो मेरी अच्छी सहेली थी उसका लिखा हुआ एक पत्र भी मेरे पास है इस तरह से वो उनको कन्विंस करती है उनको ए, उनके सामने याचना करती है कि मेरे इस महल को ना तोड़ा जाए और इससे जो है जनरल भी जो है द्रवीभूत हो जाता है यानी उसके मन में भी कहीं ना कहीं, कहीं करुणा जागती है और वो कोशिश कहता है कि मैं प्रयास करूंगा कि इस महल को ना गिराया जाए तभी जो प्रधान सेनापति होता है जनरल आउट्रम वो वहाँ आ जाते हैं कि आपने अभी तक आदेश का पालन क्यों नहीं किया तो जनरल हे कहते हैं कि क्या हम इस महल को नहीं बचा सकते और वो जो है मैना के बारे में बताते हैं लेकिन आउट्रम कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है इसे तो केवल अंग्रेजी सरकार अगर हम ऊँच जो है इंग्लैंड से यानी ब्रिटिश सरकार ही यानी जो हमारे लॉर्ड कैनिंग हैं गवर्नर जनरल वही इसके ऊपर कुछ अगर मदद करें तो कर सकते हैं इसके बाद जो है जनरल हे वहां से चले जाते हैं और एक तार भेजा जाता है ब्रिटिश सरकार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को लेकिन शाम तक और उनका जवाब आ जाता है कि सरक, ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह से इस जो आग्रह को मानने की स्थिति में नहीं है और कोई भी अंतिम स्मृति जो भी नाना साहब की हो उसे नष्ट कर दिया जाए क्योंकि इस तार के बाद जो है वहाँ ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा लेख छपा था वहाँ के टाइम्स पत्र में कि बड़े दुख की बात है कि दुर्दांत नाना साहब को जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को बहुत परेशान किया था आज तक ढूंढा नहीं जा सका है और जनरल हे की भी बहुत उसमें भर्सना हुई थी कि ये उनसे क्यों इतना लगाव रखता है तो शाम तक जवाब आ जाता है जनरल आउट्रम जो है महल को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं और सारा महल एक तरह से राख का ढेर बनकर गिर जाता है सेना अपनी छावनी में चली जाती है मगर रात के समय जो है एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है जो वहाँ राख के ढेर पर बैठी रो रही है यह मैना है सैनिक वहाँ आते हैं आउटरम जो जनरल हैं वो आते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये लड़की मैना है वे उसे गिरफ्तार करते हैं लेकिन मैना कहती है कि मुझे जी भर कर थोड़ा इस महल पर इस राख के ढेर पर बैठ रो लेने दो ताकि मैं अपने मन के गुबार निकाल सकूँ लेकिन जो है जनरल आउटरम जो प्रधान सेनापति थे वे उनकी एक भी नहीं सुनते हैं उन्हें गिरफ्तार करके कानपुर के किले में भेज दिया जाता है दूसरे दिन शाम के समय जब वहां एक भीषण अग्निकांड होता है जिसमें कि जलती हुई दहकती हुई आग में उस मैना को झोंक दिया जाता है और वो बच्ची उसमें अब उसका बलिदान जो है वो हो जाता है उसमें उसको जलाकर मार देते हैं एक तरह से एक बहुत भयानक भीषण हत्याकांड था वो और दूसरे दिन जो प्रसिद्ध अखबार था यही महाराष्ट्र का ही बाखर महादेव चीस का अखबार था उसमें यह खबर मिलती है कि कल कानपुर कानपुर में कानपूर के में के किले नाना साहब की बेटी देवी मैना को भस्म कर दिया गया और आइए हम उसे एक देवी के रूप में उसका स्मरण करें तो so, इस तरह से इस कहानी का ये अंत हो जाता है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि कुछ ऐसे भी बलिदानी थे जिनके हमारे सामने जो जिनके किस्से नहीं आ सके हैं उन्हीं में से ये एक छोटा सा ये लेख है जो इस बच्ची के माध्यम से उसके बलिदान की कहानी है बिल्कुल चलिए हम ये भी देख लेते हैं एक हमारी स्लाइड पर कि उस समय जब एक अखबार छपा करता था उसकी छपाई कितनी पुरानी हुआ करती थी कितनी जो उसकी कैलीग्राफी के तरीके से उसकी प्रिंटिंग हुआ करती थी जैसा कि अभी डॉक्टर मनोज ने भी बताया ये हम एक सैंपल के तौर पर लाए हैं आपके लिए जैसे आप देखकर जाने जैसे आपने कहा कि औद्योगिक विश्वविद्यालयों के आसपास जो है रिपोर्टेज लिखने की जो है एक तरह से कला विधा कला ये विधा विकसित हुई लेकिन ये जो ये जो खबर आप दिखा रहे हैं ये ये उससे भी 100 साल पहले के की 1823 की समय ये छपी थी और ये शायद ये लेख तो उससे भी पिछली सदी का है जो ये बंगाल गजट का ये जो खबर है उस समय की हिंदी हिंदी तो यही थी लेकिन जो शैली थी लिखने की वो अलग थी और धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन हुए आज भी होते जा रहे हैं बिल्कुल चलिए तो 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 से जुड़ा हुआ हमारा ये है है आगे बढ़ते है इसमें ठीक जी, जी तो अब जब हम कक्षा में जाएं तो हमें कुछ शिक्षण सामग्री हमारे पास होनी चाहिए और अध्यापक स्वयं निर्णय कर सकता है कि बच्चे की रुचि बढ़ाने के लिए किस तरह की सहायक सामग्री वो लेकर जाए तो यहाँ पर हम जो हैं स्वतंत्रता सेनानियों की जो तस्वीरों वाला कोई चार्ट अपने साथ इस पाठ के जोड़ सकते हैं इसके अलावा कुछ राष्ट्र प्रेम से जो प्रेरित कविताएं हैं उनको अपने साथ ले जाकर बच्चों के साथ उनका पठन पाठन हम कर सकते हैं अब कहानी के बाद क्या है कि शब्दार्थ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है क्योंकि बालक नए नए शब्दों को नए नए तरीके से उनको प्रयोग करना उनका प्रयोग कैसे होता है कैसे उनकी वर्तनी होती है इसके बारे में उसको ज्ञान मिलता है यहाँ हमने कुछ चुनिंदा शब्दों को इस कैटेगरी में रखा है और इसमें यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमने इन शब्दों को अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर हमने इनको रखा है ताकि बच्चे अपना जो डिक्शनरी है हिंदी का शब्द कोश है उसे देखने में वो अपनी रुचि बढ़ा कि किस तरह शब्द जो है एक के बाद एक अल्फाबेटिक तरीके से वर्ण वर्णाक्रम स्थिति में वो रखे जाते हैं तो अगर हम इन शब्दों शब्दों पर चर्चा करें तो अनुपमा यानी जो बहुत सुंदर लग रही हो इसके अलावा अल्पवयस यानी किशोरावस्था का यानी जो पूरी तरह जवान भी ना हुआ हो बच्चा भी ना हो तो ये वो स्थिति है इतिहास वेदता यानी इतिहास की जानकारी रखने वाला जो इतिहास का ज्ञान रखता है उज्जवल यानी जो बहुत चमकता हो और जो एक तरह का सफेद रंग को प्रतिबिंबित करने वाला यह शब्द है करुण यानी द्रवित यानी जो अंदर से जिसके अंदर दुख तकलीफ से भरा हुई कोई कोई व्यक्ति और गवर्नर जनरल ये अंग्रेजी का शब्द है हमारी भाषा जो है अंग्रेजी कि शब्दों को आज भी अपने अंदर समा रही है और यही कारण है कि वो विकसित हो रही है uh -huh. गवर्नर जनरल सेना का प्रमुख uh -huh. और जड़ पदार्थ यानी जिसके अंदर जीव ना हो यानी कोई आत्मा ना हो ऐसे जड़ पदार्थ अगल, अगला शब्द है दमन यानी किसी चीज को दबा देना किसी विद्रोह का दबा देना दुर्दांत यानी बहुत ही जो है कठोर हृदय वाला व्यक्ति ध्रुवीभूत यानी जो जिसकी आत्मा जाए आंसुओं से एक तरह के भाव कर देने वाले क्षण आग के शोलों से भरा हुआ एक तरह का कुंड जो होता है जहां पर खूब सारी आग हो और निरपराध यानी जो अपराध से रहित हो जिसको जिसका कोई अपराध ना हो फिर निरीह यानी एक तरह का लाचार बेचारा फिर अंग्रेजी शब्द फिर से आता है पार्लियामेंट यानी जो सबसे ऊंची पंचायत होती है आ, उसको हम पार्लियामेंट बोल देते हैं फिर पाषाण हृदय यानी ऐसा हृदय जो बिल्कुल पत्थर का ही बना हो जिसमें आत्मा नाम की कोई चीज ही ना हो और इसके इसके बाद जो है प्रासाद है ये महल को बोलते हैं प्रासाद भगना अर्थात जो जो किसी इमारत के जो आ, ऐसे चीज जो राख में बदल गया हो जो ढेर हो गया हो खंडर हो गया हो और भस्म ये तो राख ही होती है जलने के बाद की जो स्थिति है और विध्वंस यानी विध्वंस जिस जिसे खंडित कर दिया गया हो और और यानी एक तरह का हत्याकांड सहचरी अर्थात सखी सहेली और फिर अंग्रेजी शब्द फिर से आ जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी पंचायत का एक सदन जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन ये जो दो हाउस होते हैं वहां पर जैसे अपने भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है उसी तरह ये ये शब्दार्थ जो हमने थे ये हम इनका प्रयोग इस पाठ में हुआ है ठीक है इसके बाद हमने इस पाठ में एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है मिट्टी में मिला देना तो मिट्टी में मिला देना इसका अर्थ यही है कि ने, जो है बिल्कुल ही धराशाई कर देना खंडित कर देना तोड़ फोड़ देना तो इसके कुछ समानार्थी शब्द या मुहावरे कह सकते हैं या समानार्थी शब्द कह सकते हैं जो हमने लिए हैं जिसके लिए छात्र मुहावरे या किसी भी शब्द के पर्यायवाचियों को या समानार्थियों को ढूंढने में उसकी रुचि कैसे बढ़ाई जाए तो इस तरह कुछ चीजों को अध्यापक अपनी कक्षा में ले सकता है मिट्टी में मिला देना यानी आप बताइए क्या हो सकता है जी मैं देख भी पा रहा हूँ हाँ, जैसा कि आप पढ़ के भी बता रहे हैं हमारे जी, जी, छात्रों को जैसा कि आप खुद भी कर रहे हैं जो हमारे दृष्टिबाधित तो छात्र होंगे वो ब्रेल की सहायता से पढ़ सकते हैं और सुन तो सकते ही हैं। तो मैं जैसे देख पा रहा हूं एक उसमें अर्थ है समानार्थी अर्थ है जमी करना जी, जी, तो जी। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से किया जा सकता है हाँ। कि जब पत्र भेजा गया

खोपड़ करना जड़ से उखाड़ फेंकना और जो है जमीदी क्या है जमींदोज करना हां जमींदोज करना जमींदो और जो है इस तरह से तहस नहस करना नष्ट करना है ना और धराशाही करना जी और इसी तरह धूल में मिला देना जी है ना और जो है इस इस तरह से नष्ट नाबूद करना है तो आपने बता ही दिया है जी जी तो नष्ट भ्रष्ट करना भी ये भी हो सकता है बर्बाद करना भी है तो अनेक और भी हो सकते हैं क्योंकि शब्द कोश का कोई अंत नहीं है ये तो सागर है तो इसमें हमें रुचि बढ़ानी चाहिए बच्चे को हमेशा अपना शब्द कोश देखने के लिए अब हम पाठ्यतर कुछ गतिविधियां ये नहीं है कि हमने पाठ कराया हम उसी पे ही एकदम से हमारा कंसंट्रेशन पाठ पर ही रहेगी नहीं हमें बच्चे की रुचि खत्म हो जाएगी अगर हम बिल्कुल बुकिश बन जाएंगे किताबी नॉलेज वाला ही किताबी कीड़ा बन जाएंगे थोड़ा सा बाहर निकाल कर कुछ पाठ्यतर जो पाठ्यक्रम से अतिरिक्त गतिविधियाँ हैं उन्हीं की तरफ भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए अध्यापक बहुत सारी गतिविधियाँ करा सकता है उनमें से हम ये कह सकते हैं कि अखबार की कोई दो खबरें काटो उसे अपनी कापी में चिपकाओ और उसे सही तरीके से अपनी कक्षा में पढ़ो ये भी हम काम दे सकते हैं इसके अलावा और भी कई तरह गतिविधियां दे सकते हैं हम की भाई किसी भी घटना पर एक रिपोर्ट लिखो या रेडियो पर खबरें सुनो क्योंकि बच्चा जब रेडियो पर खबरें सुनेगा तो उसके उच्चारण में उन शब्दों को समझने में भावों को समझने में उसे बहुत ज्ञान मिलेगा अपनी भाषा को सुधारने में तो रेडियो पर खबरें बहुत रेडियो टेलीविजन पर खबरें सुननी चाहिए मैं ये कहूँगा कि जो गुणवत्ता जो रेडियो की है वो शायद टेलीविजन की नहीं है क्योंकि टेलीविज़न के अंदर जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं या जो समाचार होते हैं उनमें हमारा ध्यान दूसरी हाव भाव की तरफ ज़्यादा चला जाता है तो इससे भाषा प्रभावित हो जाती है ना तो लेकिन रेडियो के अंदर क्योंकि हम तस्वीर नहीं देख रहे हैं सुन रहे हैं तो एक

बच्चे ने कितनी तरीक कितना वो पाठ सीखा कितना वो अभी और सीखने की उसे जरूरत है या क्या हमें अपनी शिक्षण विधि में प्रयोग करना है परिवर्तन करना है तो अगर इस आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे इन प्रश्नों में तो पहला है बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया जी। तो अब बालिका मैना का जब संवाद होता है सेनापति हे से तो वो जो है उनको उनकी बेटी का वास्ता वास्ता देती हैं कि वो मेरी सहेली थी ताकि वो मान जाएं भाई मेरे महल को ना तोड़ें फिर वो कहते हैं कि आपकी बेटी का एक पत्र भी मेरे पास है आपको याद होगा आप मेरे यहाँ आते थे मुझे अपनी पुत्री के समान ही समझते थे और ये कहकर उन्होंने हे को एक तरह से मना ही लिया कि वो उस महल की रक्षा के लिए आगे आए ये अलग बात है कि बाद में सरकार ने उनकी बात नहीं मानी लेकिन इन तर्कों के आधार पर मैना ने जनरल को जो है प्रेरित किया महल की रक्षा के लिए जी। अगला प्रश्न देखें। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले। लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय के कारण उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं होने दी अब क्योंकि हे का दिल पिघल चुका था लेकिन जनरल जो प्रमुख सेनापति जो था जनरल उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं मानी क्योंकि महल को उसने जो है धराशाई कर दिया था भस्म कर दिया था और मैना उस पर बैठकर रो रही थी लेकिन जनरल ने उसे गिरफ्तार कर लिया कि आप नाना की पुत्री हो मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ मैना ने कहा कि मुझे थोड़ी देर इस पर बैठकर रो लेने दो ताकि वो इसलिए रोना चाहती थी जब कोई अपनी प्रिय चीज़ अपने से बिछुड़ जाती है तो उसकी याद में व्यक्ति या जो भी हो वो अपने आंसू बहा लेता है तो उसके अंदर का दुख निकल जाता है यदि उस वो उसके लिए रोता नहीं है तो वो दुख ही अंदर ही अंदर वो कुड़ता रहता है और उसके शरीर को बहुत नुकसान होता है उसकी आत्मा को बहुत नुकसान होता है तो वो अपने मन के गुबार निकालना चाहती थी लेकिन जनरल ने उनकी ये इच्छा पूरी नहीं होने दी कि अगर ये यहाँ ज़्यादा देर रहेगी लोग आएंगे लोग देखेंगे उनमें फिर से क्रांति का जो है प्रादुर्भाव होगा लोग इससे प्रेरित होकर कहीं और ज्यादा एकजुट होकर हमारे सामने ना आ सके उन्हें था कि एक बच्ची है लेकिन इसके रोने के अंदर वो शक्ति है जो लोगों को जोड़ देगी एक लंबे समय से और विद्रोह बहुत तेज हो जाएगा इसी भय के कारण उन्होंने इनको इसकी इच्छा पूरी होने नहीं दी और गिरफ्तार करके ले गए अपने साथ जी अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे जी कि जो है 6 सितंबर के 6 सितंबर के दिन जो है टाइम्स पत्र जो ब्रिटेन में था उसमें उसमें यह खबर छपी थी कौन सी खबर छपी थी बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी इस वाक्य में भारत सरकार से क्या मतलब है ये जो कोर्ट में लिखा है कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी ये टाइम्स की खबर है जो पत्र उस समय होता था अठारह में ब्रिटेन में कि बड़ी किरकिरी हुई थी उस समय पर जनरल है की कि वो क्यों इस बच्चे से लगाव रख रहे हैं जी। तो भारत सरकार से क्या अभिप्राय है क्योंकि भारत की तो कोई सरकार शासन था पूरे विश्व में लगभग अनेक देशों में अनेक देशों में था ये कहा जा सकता है कि जो एडवाइजरी uh, बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इंडिया में थी जी ब्रिटिश सरकार की जी, उसी जी, को भारत सरकार के नाम से संबोधित किया गया जो जो अधिकारी ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के ऊपर हुकूमत कर रहे थे ये उन लोगों पर सवाल था उसे वो भारत सरकार कहते हैं जी तो अगला सवाल है स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखों की क्या भूमिका रही होगी अपने विचार लिखें तो निश्चित रूप से जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था गांधी जी के देखरेख में गांधी जी के नेतृत्व में जी। तो कवि और लेखक यानी जो साहित्यकार थे वे भी अपनी ओर से जो है योगदान दे रहे थे और स्वतंत्रता सेनानियों से आज़ादी से लड़ी हुई कविताएं कहानियां ये प्रस्तुत कर रहे थे अंग्रेज अंग्रेजों की नज़र उन पर पड़ती थी तो उनकी पुस्तकों को उनके लेखों को जब्त कर लिया जाता था मुंशी प्रेमचंद की अगर ध्यान हो तो सोजे वतन नाम का एक कहानी संग्रह था है ना उसको भी उन्होंने उसका जब्त कर लिया इसी तरह बहुत सारी क्योंकि इससे क्रांति की भावना जनता के अंदर जो है पनपती थी और जनता एकजुट होती थी इनकी बहुत बड़ा महत्व था लेखों का क्योंकि जो कहते हैं तलवार में वो ताकत नहीं होती जो कलम में होती है तो ये अपनी इन लेखों से जनता के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का प्रयत्न कर रहे थे प्रयास कर रहे थे और अंग्रेजी सरकार इससे बिल्कुल डरी हुई थी जी अगला प्रश्न अगर आप देखें कल्पना कीजिए कि की, नाना साहब की जो जो है मैना की जो बलिदान की जो खबर है ये आपको आ, रेडियो पर प्रसारित करनी है जी इसके लिए आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और उसे अपनी कक्षा में पूरे भावपूर्ण शैली में जो है पढ़कर उसे सुनाएं ये भी हम अगर आप बच्चों से पूछें तो इस खबर के आधार पर अपनी एक खबर तैयार करें तो रेडियो पर सुनाने के लिए सबसे पहले हमें रेडियो को सुनना चाहिए कि वहाँ किस तरह से समाचारों का प्रसारण होता है किस तरह से पढ़ा जाता है और भाषा में किस तरह का उतार चढ़ाव ये सब रखा जाता है बिल्कुल आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और समाचार वाचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वाचन जब आप सुनेंगे अच्छे से तब उसकी आप लेखनी की का जो है आप लिखने का प्रयास बिल्कुल। करेंगे बिल्कुल। और लिखते लिखते निखार आएगा मनोज जी आपने बहुत बेहतर तरीके से मैं कहूंगा एक बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास पढ़ाने का आपने प्रयास किया चलिए अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे पास सिर्फ दो मिनट है मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि आप स्क्रीन पर एक बार ध्यान दें अब आपकी स्क्रीन पर तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं और मैं निर्भय से ये आग्रह करूंगा कि आप इन इन तीनों ही शब्दों को साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करें पहला है अखबार दूसरा है क्रूरता तीसरा है पुत्री बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये ग्रह कार्य आपको दिखाई दे रहा है मैं जल्दी से ये प्रश्न आपके लिए पढ़ देता हूं मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे क्यों अगला है सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे तीसरा है बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों अगला है रिपोर्टार्ज से आप क्या समझते हैं अपने आसपास घटित किसी घटना का वर्णन रिपोर्टार्ज शैली में करें और अंतिम प्रश्न है अठारह की क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की सूची तैयार करें और उनमें से किसी एक के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें तो ये रहा ग्रह कार्य और आगे बढ़ते हैं हमारे पास संशोधित ग्रह कार्य भी है हमारे चूंकि समावेशी कक्षा है तो पहला जो हमारा प्रश्न है संशोधित ग्रह कार्य में सही विकल्प का चयन करें पहला प्रश्न है बालिका मैना के चरित्र की क्या विशेषताएं थी इसके चार विकल्प हैं का वह बहुत सुंदर थी खा वह बहुत निडर थी गा वह बेहद संवेदनशील थी घा उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर दो अंग्रेज नाना साहब को क्यों तलाश रहे थे विकल्प का क्योंकि वे नाना साहब को अपना शत्रु समझते थे विकल्प खा क्योंकि नाना साहब ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था विकल्प गा क्योंकि नाना साहब के विद्रोह से जनता भड़क सकती थी विकल्प घा उपरोक्त सभी सही है अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न है रिपोर्टार्ज में होता है विकल्प का किसी घटना का वर्णन खा किसी व्यक्ति की जीवनी गा उपरोक्त दोनों सही हैं या फिर घा उपरोक्त सभी गलत है और एक और प्रश्न है रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने पहला है मैना की सहेली का नाम डैश था भरें भरे खाली स्थान के जो विकल्प है मारिया या मैरी दूसरा झांसी की रानी डैश यानी कि यह खाली स्थान है अठारह की क्रांति की एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी इसके सही विकल्प है लक्ष्मीबाई या पद्मावती इन दोनों में से जो सही हो वो आप जरूर भरें और ये गृह कार्य की जो प्रस्तुति का प्रारूप है वो मैं जल्दी से पढ़ देता हूं आप अपना नाम लिखेंगे अपनी कक्षा अपने विद्यालय का नाम एवं उसका पता अध्यापक का नाम आप अध्यापक में अपनी जो क्लास टीचर है उनका नाम तो लिख ही सकते हैं आप मनोज जी का भी नाम जरूर लिख सकते हैं सत्र का दिनांक यानी आज की तारीख आप लिखिएगा और अपना फोटोग्राफ भी आप लगा सकते हैं जो कि है यदि आप चाहें तो कक्षाओं की ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उस पर जरूर भेजिएगा हमें इसकी प्रतीक्षा रहेगी तो हम अपना ये सत्र आज यहाँ समाप्त करते हैं मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार कि आपने बहुत सरल तरीके से हमारे बच्चों को ये रिपोर्ट आज पढ़ाया और मुझे उम्मीद है कि वो जो प्रैक्टिकल क्लास आप करने का प्रयास कर रहे हैं उससे जरूर निसंदेह बच्चों को लाभ होगा बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत धन्यवाद uh, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत और अब हम अपना ये सत्र जो है समाप्त करते हैं उससे पहले मैं आप सबके लिए एक जी ट्वेंटी इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री